हरियाणा में भारी बारिश से हाल बेहाल है। गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। अस्पताल के अंदर भी पानी घुस गया है। कई जगहों पर वाहन फंस गए हैं, आवाजाही पर रोक लग गई है और अस्पताल में पानी घुस गया है। जहां पर मरीजों का इलाज जारी है वहां पर सिविल अस्पताल के अंदर पानी घुस गया है। हालात इसलिए खराब है क्योंकि लगातार बारिश हुई है रात भर से और उसके बाद जगह जगह इस तरह जल जमाव की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद इस तरह लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है और जो आवाजाही वाले रास्ते हैं वो ठप पड़ गए हैं, वाहनों की आवाजाही रुक गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ अस्पताल में पानी भर गया है, सिविल अस्पताल है, मरीजों का इलाज यहाँ पर जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पानी भर गया है और सड़कों पर वाहन जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। ऋतु रोहिणी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। ऋतु, एक बारिश होती है और पूरी कलई खुलकर सामने आ जाती है कि किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। तेज बारिश के बाद अगर इस तरह जल जमाव की स्थिति होती है तो आज भी गुरुग्राम में इस तरह जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। आप खुद भी हमें देख रही हैं कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है इस इलाके में। बिल्कुल निधि, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ मेरी बाई ओर एक गुजरात नंबर की गाड़ी है जो तकरीबन आधे घंटे से यहाँ फंसी हुई है। जिनकी गाड़ी है वो यहाँ से निकलकर चले गए हैं, गाड़ी इसी तरीके से है और यहाँ से आप दूर तक जहाँ भी देखेंगी पानी ही पानी है। तकरीबन मेरे भी घुटने के जो नीचे का आधा से ज़्यादा हिस्सा है वो इस वक्त पानी में डूब चुका है और तमाम जो लोग हैं उनको आगे आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से गुड़गांव अथॉरिटी की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, हर बार हर साल वही दावे और हर बार हर साल उसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आती है जल भराव की, जिसमें तमाम कहीं पे गाड़ियां फंसी होती है, कहीं लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। देखिए यहाँ से ठीक बगल में दिल्ली जयपुर हाईवे है, हाईवे पर हालांकि पानी नहीं पहुँचा है लेकिन इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए कई सारी गाड़ियाँ हैं जो आगे फंसी हुई है, सामान से लदे हुए ट्रक हैं वो फंसे हुए हैं। इसके साथ ही हालांकि यहाँ पर गुड़गांव अथॉरिटी की जो टीम है वो जल निकासी की कोशिश कर रही है लेकिन आखिर इस तक यहाँ तक नौबत ऐसी क्यों आती है, हर बार जिस तरीके से दावे किए जाते हैं अथॉरिटी की तरफ से लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आती है जिसमें साफ दिख रहा है कि पानी की निकासी नहीं हो पाई है और पानी की निकासी न होने की वजह से इस तरह हालात बेहाल हो गए हैं। लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही है इस भारी बारिश के बाद।